तंबाकू के संबंध में नशा वगैरह जो सभी लोग करते हैं वो हमारे ही एज ग्रुप, आप लोगों के एज ग्रुप के लोग ही ज्यादा उसके प्रति जो है इंक्लाइंड रहते हैं। लोग ये कहते हैं कि जो है तंबाकू सेवन करने से आपकी जो है पर्सनालिटी एक डिफरेंट होती है, और जो है ये भी कहते हैं कि जो है आप अगर तंबाकू जैसा कुछ नशा करते हैं तो आपका जो है कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है, आप लोग भी ये जानते होंगे कि इस सभी को जो है हानि ही पहुंचती है। जहां तक मैं संविधान की भी बात करूंगा, यहाँ पे आर्टिकल 21 जो है जीवन का अधिकार हम लोगों को देती है, जीवन का अधिकार देती है लेकिन मरने का अधिकार नहीं देती है। और मरने का अधिकार नहीं देती है तो आपको किसी और का जीवन लेने का भी अधिकार नहीं होता है। अन्यथा अगर आपको जो है विधि द्वारा ऐसी जो है ताकत जो है शक्तियां प्रदान है, अगर आप तंबाकू का जो है सेवन किसी भी प्रकार से करते हैं तो आप न केवल अपने जो है स्वास्थ्य के प्रति ऐसा काम करते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो, वरन जो है दूसरे भी आपसे जो है अफेक्ट रहते हैं। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है कि ज्यादातर जो उस एज ग्रुप के जो 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उन लोगों का कुछ ना कुछ जो है इस व्यसन से जरूर जो है कहीं ना कहीं से वो इससे जो है रिलेटेड जरूर रहते हैं। उनका ये मानना है कि जो है अगर हम ऐसा जो है अगर इस तरह करते हैं तो एक हमारे जो है एज ग्रुप में हमारी एक प्रतिष्ठा रहेगी। लेकिन ये बात गलत है। एक जो है बच्चा था वो जो है छोटा ही था, मतलब कि वो समय मैं भी पढ़ता ही था, तो उसके जो है जो पिता थे वो थोड़ा व्यसनी थे ये सब चीजों से, धूम्रपान करना ये सब नशा पत्ती करना वो ज्यादा करते थे, और उसका प्रभाव जो है उस बच्चे पे भी दिखा। वो जो है एक तरीके से जो है वो समझ लीजिए कि उसकी माँ भी जो है वो किसी ना किसी प्रकार से तंबाकू का सेवन करती थी, तो वो बुरे टाइप का मंजन करती थी। तो उस मंजन करने से जो है उस बालक की ये स्थिति हो गई थी कि उसको एक प्रकार का जो है सिंड्रोम हो गया था, वो मंदबुद्धि पैदा हुआ था। और मंदबुद्धि पैदा होने से समझिए कि जो है उसका जो है पूरी जो है जीवन जो है समझ लीजिए कि एक मंदबुद्धि की तरह ही चला, उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए जो है ये जागरूकता जो है ये जो है आप लोगों के एज ग्रुप के लिए जो है बहुत ही जरूरी है कि आप समझें कि आपका जो है ये एज है वो टेंडर एज है, जो जिसको कहते हैं वो किसी भी चीज से जो है बहुत आसानी से प्रभावित हो सकता है। किसी भी आपने फिल्म स्टार को देख लिया या किसी अपने बड़े को देख लिया कि वो तो ऐसा है और जो है उसका जो है कार्य प्रणाली ऐसी है कि वो इस प्रकार का जो है नशा करता है और इस प्रकार का तंबाकू सेवन करता है, वो थोड़ा सा स्मार्ट लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो है त्वरित जो है आपको लगेगा कि जो है इनका जो है बहुत अच्छा जो है व्यक्तित्व है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर जो है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जो है रिहैबिलिटेशन वगैरह में हम लोग ने भेजा, तो वहां से जो है इन लोगों ने जो है नशा वगैरह जो भी था उसको जो है उन्होंने छोड़ा, और कहीं ना कहीं जो है आज जो है वो इस समाज के प्रति कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो है छाप छोड़े हैं, अपने जो है पैरों पे खड़े हुए हैं। तो नशा जो है इस टाइप का जो जागरूकता है अगर वो हम अपने में जो है तक ही सीमित करें तो वो जो है सही नहीं होगा। इसको हम जो है अच्छी तरीके से किताबी ज्ञान न लेके इसको अपने अंदर जो है इसको रखें और दूसरों को भी इसके लिए जो है उत्प्रेरित करें कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि जो है हमारा जो है हमारा जीवन या किसी और का जीवन भी खतरे में पड़ता है। आप लोग जो है इस देश के कर्णधार हैं, अगर आप ही जो है कुछ जो है गड़बड़ रहेंगे तो इस देश का भविष्य भी जो है गर्त में ही जाएगा। तो आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।